आप अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर लो, कोई फोन उठा नहीं। ठीक चालू हो रहा है। आदाब नमस्कार, मैं कमालुद्दीन अंसारी आपके साथ और कुछ मुद्दों के साथ भी यहाँ पे बहुत से हमारे साथ में मुंबई कांग्रेस के सचिव सिराज अहमद खान जी हैं, जो आज देश में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। मुझे यहाँ तक ये मालूम है कि यह आंदोलन 1947 वाला ही आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ऐसा देश में माहौल बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली में जो जेएनयू में उस दिन हुआ, नकाबपोश गुंडों ने घुसकर मारा, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू में जो बाबरता हुई है, एक बात आप ध्यान रखिए कमालू भाई, किसी भी देश की यूनिवर्सिटी जो होती है वो उसकी नींव होती है। अगर नींव को कमजोर किया जाएगा तो हमारा मुल्क इससे बिखरेगा और इससे जाहिलत फैलेगी। इसीलिए अगर जिन लोगों ने हमला किया उनको एक संदेश देना चाहता हूं मैं, अगर आप यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते हो तो कम से कम उन यूनिवर्सिटियों को बिगाड़ो मत। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है तो कम से कम जो बनी हुई है हमारे बाप दादों ने बनाई है उस यूनिवर्सिटी को आप बर्बाद ना करें, ये मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अभी हम चलते हैं एक अच्छे विचार रखने वाले जो पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स की बात और समाज के अंदर जो अच्छी बात रखते हैं, हमारे सिराज खान साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे आज देश के जो NRC और CA पर चल रहा है यह विरोध प्रदर्शन, यह विरोध प्रदर्शन जो है सिराज भाई, आप किस नज़र से देखते हैं? यह देश में तो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग रोड पे आ गए हैं। NRC और CA का जो कानून है, जो इस सरकार ने CA में जो अलग से चीज़ें जोड़ी हैं, वो बिल्कुल हमारी जो देश का जो संविधान है और देश का जो हमारा आईन है, इस आईन के खिलाफ में है। ये हमें डिवाइड करता है, ये हमें तोड़ता है। तो इस कानून का विरोध हर देश का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर लोग इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती। तो मेरा सवाल ये था कि अभी CA में, CA इन्होंने एडवाइजरी लागू कर दी है, जो 14 लाख हिंदू असम के अंदर बाहर हुए हैं NRC से और 3.5 लाख के करीब मुस्लिम, तो क्या CA के माध्यम से उन 14 लाख लोगों को CA से नागरिकता दे देंगे और मुसलमानों को ये लोग क्या बाहर कर देंगे? अगर जो 14 लाख हिंदू है अगर उनको नागरिकता दे देते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है क्या सरकार हड़प लेगी या उनको वापस कर देगी? इस पर राय क्या है? इस पर समझना होगा कि असम में जो NRC लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में किया है और उनसे जो पेपर मांगे थे वो 71 के पेपर लिए गए हैं और उसके आधार पे 19 लाख लोगों ने नागरिकता खोई थी, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली और एक मेजर हैं, उनका नाम सनाउल्ला खान, जो कारगिल में जिन्होंने जंग लड़ा था देश के लिए, ऐसे कई बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम NRC में नहीं आया और उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। तो CA से जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उसका क्या होगा? जाहिर सी बात है उसके बारे में तो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन जो पहले के अगर नागरिक संशोधन विधेयक को अगर देखा जाए तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। और दूसरी बात, CA इस बार जो CA में चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें साफ तौर से मुसलमानों को खारिज किया गया है और एक्सेप्ट मुसलमान सबको नागरिकता दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी।
तो इसका मतलब ये है कि 14 लाख जो लोग हैं उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सवालिया निशान है। तो अभी सुन रहे थे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये आगाह करता हूं और आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर सरकार नए में अगर नागरिकता देती है तो पुरानी प्रॉपर्टी उनकी जो भी है वो सरकार के हाथ में चली जाएगी, और इसलिए चली जाएगी क्योंकि वो आज से नागरिकता ले रहे हैं, पिछले सालों से नहीं, आज से नए में नागरिकता ले रहे हैं। इसके लिए यह संजय बना हुआ है और लो सख्त भी बना हुआ है। मैं देश के सरकार को इस पर बताना चाहिए कि आखिर उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी या नहीं। आज हमारे साथ में भी एक समाज सेवक बहुत अच्छे हमारे अयूब भाई भी है। आज ये बहुत बड़ा आंदोलन आपके नजर में, बहुत जगह आप भी गए आंदोलन में, आपको क्या लगता है कि सरकार इसे झुकेगी या नहीं झुकेगी? कमरुद्दीन भाई, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे मुझसे पूछा है। ये प्रोटेस्ट जो आज हो रहा है ये किसी एक मजहब का नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, ये सब हिंदुस्तानियों का प्रोटेक्स है। और हमने पहले भी एक जंग लड़ी है, गोरों से लड़े थे हम लोग, तो आज हमको लड़ना पड़ा है चोरों से। हम लड़ेंगे और हमारी जीत होगी, और 22 तारीख को कोर्ट का फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये देश हित में ही फैसला होगा। और मैं आपको इससे ज्यादा क्या बोलूं, प्रोटेक्स हो रहा है, सब जगह हो रहा है। जैसा पहले चांदीवली में हमारे सिराज भाई, हमारे भाई, हमारे मुंबई कांग्रेस के सचिव, उन्होंने प्रोटेक्स किया था, उसी मैदान में आज एक प्रोटेक्स हुआ है, अच्छे तादाद में लोग आए उसमें। फिर उसके बाद हम गेट ऑफ इंडिया में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोग ने किया था, सिराज भाई भी गए हुए थे हमारे, जो जिससे आपसे सिराज भाई खान साहब से भी पूछा, हमारे अजीज दोस्त लोग, हम लोग वहाँ भी गए थे, वहाँ प्रोटेक्स में हम मौजूद थे। तो वहाँ पर हमने लोगों को, स्टूडेंट को जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए देखा, बड़ी खुशी हुई। क्योंकि आप कमालुद्दीन भाई, आप अच्छी तरह जानते हो कि जब इनकलाब होता है तो बदलाव आता है, तो ये इनकलाब हो रहा है और बदलाव जरूर आए। थैंक यू। तो मैं अभी और कुछ लोगों से खाली इतना पूछना चाहूंगा कि यह मुद्दा जिस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है, क्या ये संविधान विरोधी कानून नहीं है? बिल्कुल, ये संविधान विरोधी कानून है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा लास्ट टाइम जब जामिया में पुलिस ने घुस के स्टूडेंटों को मारा, स्टूडेंटों पे हमला किया गया, और उसके बाद अब जेएनयू में कुछ गुंडे घुसते हैं तो पुलिस गेट के बाहर खड़े रह के तमाशा देखती है, और जो गुंडे अंदर घुसते हैं उनके हाथ में लाठी रॉड पत्थर लेके घुसते हैं, वो निकल रहे और पुलिस वाले उनका इस्तकबाल करने खड़ी है, ऐसा कर रही। अभी तक वहाँ पे एक भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं किया गया जिसने वहाँ पे गुंडागर्दी करी अंदर घुसकर, एक भी को अरेस्ट नहीं किया गया, ना कोई सस्पेक्टेड है, क्या है भाई? तो इसमें सरकार से को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती है होम मिनिस्टर, जो अभी अमित शाह को करती है, तो आप समझ लीजिए कि ये किसके इशारे पे काम हो रहा है। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं। थैंक यू। तो अभी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। नहीं नहीं, कम ऑन। आज मैं यहाँ पे, अभी चर्चा तो खत्म नहीं हुई, मैं इस चर्चे को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सिराज भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संविधान की आर्टिकल 14 जो है, आज CA जो लाए इन्होंने, आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन हुआ, क्या ये संविधान विरोधी नहीं है जो समानता को तोड़ती है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस सरकार की अभी तक जितनी भी पॉलिसीज रही हैं वो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों को तकलीफ देती आई हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, और उनकी अदर जितनी भी योजनाएं रही हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो कदम उठाया है वो सीधे सीधे हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाने का कदम उठाया है। आर्टिकल 14, 15 की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, पंथ, रंग के हिसाब से डिवाइड नहीं किया जा सकता।
लेकिन आप देखेंगे सीए में सीधे तौर पे लिखा गया है, जो इस सरकार ने प्रावधान डाला है सीए में, कि एक्सेप्ट मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोगों को इसमें नागरिकता दी जाएगी, जो हमारे आर्टिकल 14 का सीधे तरीके से उल्लंघन है। तो इस पर तो दो राय है नहीं कि ये कानून जो है संविधान विरोधी नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार अभी एनआरसी पे जब इतना विरोध देखने के बाद में उन्होंने एक और दांव चलाया, एनपीआर लेकर आ रहे हैं। एनपीआर जो है वो एनपीआर मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में होने वाला है। पहले होता था वो हर 10 साल में होता है, उसको जनगणना बोली जाती है। हर बार होता था, उसमें 15 पॉइंट होते थे। 15 पॉइंट में सबसे पहले ये होता था कि हेड ऑफ द फैमिली जो होता था, फैमिली में जो हेड होता है उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, इस तरीके से अलग अलग 15 सवाल आपके बारे में थे। लेकिन इस सरकार की मंशा देखिए, इन्होंने 5 पॉइंट उसमें अलग से ऐड किया है, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके माता पिता का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता का जन्म तारीख क्या है, तीसरा आपका पिछला रेसिडेंस, आपका पिछला घर कहाँ था, ये आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद में आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, लाइसेंस नंबर और आपका मोबाइल नंबर, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये सेम टू सेम, यानी ये चीजें जो एनआरसी में जो चीजें पूछना है उनको, जो चीजें हमसे मांगना है, इन बातों में वो चीजें निकल कर आ जाएंगी। अगर आपके माता पिता का जन्म, माता या पिता किसी का भी, एक का भी जन्म अगर भारत में नहीं हुआ है तो आपको नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये है कि आसाम में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया 1971 का डॉक्यूमेंट मांगा गया, लेकिन अदर स्टेट में जो कानून लागू होगा वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से 1 जुलाई 1987 तक का प्रूफ आपको जमा करना होगा। अगर इससे पहले की जन्म तारीख आपकी है, आपकी जन्म तारीख इससे पहले की है, तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट से आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी जन्म तारीख इसके बाद की है तो आपको अपने माता पिता के जन्म तारीख के हिसाब से आपको नागरिकता दी जाएगी। अब इसके ये सारी चीज बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझना पड़ेगा हमको। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इस चीज के डिटेल में जाएंगे नहीं। अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ ये एक हवा बनाया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ है। ये धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, पूरे जितने हिंदुस्तानी हैं सबके खिलाफ है। क्योंकि अगर आपकी नागरिकता छीन ली जाती है एनआरसी के द्वारा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, नागरिकता छीनने के बाद में आपकी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी, उसके बाद में सीए से आपको नागरिकता मिल जाएगी, एक्सेप्ट मुस्लिम। लेकिन सवाल यही है कि अगर आपको नागरिकता मिल भी जाती है, अगर आपको